ये आप देख सकते हैं कितना नाइसली और परफेक्टली केक बना है, बनके तैयार हो गया। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। वेलकम टू इजी कुकिंग, आप देख रहे हैं इजी कुकिंग। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि आप घर में रियली इजी और सिंपल वे से मिंट चॉकलेट चिप आइसक्रीम कैसे बना सकते हैं। आइसक्रीम बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, ये मेरे पास कंडेंस मिल्क है, ये व्हिपिंग क्रीम है, ये आप देख लें पेपर मिंट का टेस्ट है, फ्लेवर है, ये ग्रीन कलर है मेरे पास, यहाँ पे कुछ चॉकलेट है जिसे काट के छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। अच्छा, मैं आज बनाने लगी हूँ मिंट चॉकलेट चिप केक। पर पहले आइसक्रीम बनाएंगे फिर केक बनाएंगे। पहले आइसक्रीम बनाने के लिए ये चीज़ें चाहिए, उसके बाद ये मैंने मोल्ड रखा, मैं सारी चीज़ें इसमें डाल दूँगी, वो बन के इसमें चला जाएगा। सबसे पहले आप इस क्रीम को व्हिप कर लें, से बन चुकी है क्रीम। अब हम इसके बीच कंडेंस मिल्क को खोल के डाल देते हैं। इसके अंदर मैं ये कंडेंस मिल्क डाल रही हूँ, इस वाला भी डाल दो। अब इसे अच्छे से मिक्स करना है, कंडेंस मिल्क। एक चम्मच मिंट का फ्लेवर डाल दिया, एक चम्मच मिंट का फ्लेवर और थोड़ा सा ग्रीन कलर, ये थोड़ा सा ग्रीन कलर है जिसको मैंने पानी में हल कर लिया है, ये डाल दिया। अब इसे अच्छे से मिक्स करते हैं, देखते हैं। आइसक्रीम बन गई, अब इसके बीच में ये चॉकलेट डालने लगे जो मैंने अच्छे से काट के चाप कर लिया। मिक्स कर दें स्पैचुला के साथ, कर दें इसी के साथ, कर लें स्पैचुला के साथ करती हूँ। ये देखिए जी, केक फ्रीज हो गया, ये देख सकते हैं आप, इसको मैंने निकाल दिया। अब यहाँ पे मेरे पास प्लेट में थोड़ा सा और भी मैंने डाल के रखा था जो आपके साथ शेयर करने के लिए था। सबसे पहले इसके ऊपर मैं थोड़ी सी क्रीम लगाने लगी हूँ, उसके बाद ये केक थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे आइसक्रीम डाल के इसमें प्लेट्स में दिखाने लगी हूँ कि देखें कितनी अच्छी बनी है। पहले इसके ऊपर थोड़ी सी क्रीम लगा देती हूँ,